हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों सबको हैप्पी रक्षाबंधन। आज जो है यहाँ पे रक्षाबंधन वाले दिन क्या करते हैं, सबसे पहले जो है कागज़ पर कुछ जो सलूणा बोलते हैं उसको बनाकर उसको जो है खाना खिलाया जाता है। तो वो अभी रावी कर रही है। आज सिस्टर आएगी, जो छोटी वाली सिस्टर है वो आएगी और आदित्य आएगी। बाकी सिस्टर जो है कुछ दिन पहले आई थी इसलिए नहीं आ रही। राज सलूणा किधर है दोस्तों? इस तरीके से जो है कागज़ पे शुभ लाभ लिखकर, ये देखिए रावी ने ये बना रखे हैं, पहले बनाते थे ऐसे, तो ये बनाकर इनको चिपकाएंगे, जैसे कि दरवाजे पे चिपका दिया, गेट गुट पे। दोस्तों ये सेवियाँ हैं, मीठी सेवियाँ, और ये लगाकर इसको जो है यहाँ पे चिपका दिया जाता है। आप में से किन किन के जो है इस तरीके से जो है रक्षाबंधन पे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक ये जो है धागा जो है यहाँ पे लगा दिया जाता है। एक डेढ़ सप्ताह तो मौसम ऐसा रहता है जैसे बिल्कुल ही बारिश का सा मौसम रहता है ना, हमेशा ठंडी हवा, बारिश हो रही है, सावन की जो जड़ी लगती है ना उस तरीके से। दोस्तों अभी मैं जो है जाऊंगा मंदिर में, आज सावन का भी लास्ट सोमवार है, आज सावन का आखिरी दिन है। वैसे तो मैं मंदिर डेली जाता हूँ लेकिन आज जो है भोले बाबा की जो है पूजा करके आएंगे, तो मैं अभी जाऊँगा पहले मंदिर, मंदिर से आकर फिर खाना वगैरह खाएंगे। और सिस्टर और जो अदिति है वो शाम दोपहर में आएंगी 1 बजे के लगभग। चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ घर पर क्या बना रहे हैं, रसोई का और दिखाता हूँ आपको किचन में। यहाँ पर जो है खीर बनाई जा रही है और ये आलू की मेरे ख्याल से सब्जी बनाएगी। अभी भाभी आ रही है, भाभी बनाएगी आलू मटर की सब्जी। इसमें मेरे ख्याल से मटर है, ये मटर है, अभी आलू है तो आलू मटर की सब्जी बनाएंगे। और इसके अंदर जो सेवियाँ है खाने वाली वो बना रखी है। क्या बना रहा हूँ खीर बनाई थी, सही बनाई थी, मीठी भोग लगाना। और रोटी पूरी पूरी गर्मी पूरी खाया करो। अरे लेट होएगा, तम लेट होएगा। क्या हुआ? सामान की कह रहे लम के निकाल के निकाल दे। मैं गेट बंद करके हूँ। ये तो सोएगा पार्ट देख के तारी हो और के सुबह के पार्ट देख के 2 बार सो लिया। आ जाओ अंदर बताओ। कोई बात ना, सोन दे आदित्य जी जी आएगी, आदित्य जी जी आएगी। बुआ का बान रियान किधर? रियान, रियान को बुलाओ। Thank you.
लाइट सा बेटे यार तू तो लाइट आ रही है इसको छोटा भीम की क्या हो जाएगा बना आप ऊन की ये बेटे छोटा भीम ले आप दोस्तों आज जो है हमारे कुछ प्लांट्स आने वाले हैं ग्राफ्टेड वेस्ट बंगाल की एक नर्सरी है उनकी तरफ से और थोड़ी देर पहले ही मेरे पास कॉल आई है तो जो है मैं सोचता हूँ इस बार जो आंगन की जो जगह है यहाँ पे हम लगाएंगे हालांकि मैंने कुछ जो है आम के प्लांट्स यहाँ पे लगा रखे हैं लेकिन क्या है ये जो है छाया वाले प्लांट है तो एक दो प्लांट हम ग्राफ्टेड भी लगाएंगे। मैं आज जो है जंगल से बहुत से आम निकाल के लेके आया था ये देखिए सारे ये देखिए करीब करीब ये जो है 25 के करीब जो प्लांट हैं और इन प्लांटों को हम ऐसे रखें इनको भी हम ग्राफ्ट करेंगे तो मैं ग्राफ्टिंग के लिए जो साइन है वो लेके आऊँगा और फिर इनको ग्राफ्ट कर देंगे। दोस्तों इसमें आए प्लांट्स भाई क्या बिल्ले पानी लेकर आऊं जल्दी में वो दोस्तों अगर एक ही गार्डन में अलग अलग तरीके के आम के पौधे हो तो कितना अच्छा लगेगा यानी कि आपके गार्डन में एक जगह दूसरी वैरायटी लगी हुई है एक जगह दूसरी एक ही गार्डन में 4 से 5 वैरायटी अगर आम की हो तो कितना अच्छा लगेगा। दोस्तों मैंने जो है आम की जो है 4 से 5 वैरायटी जो है नई मंगवाई है तो इस पैकेट के अंदर है जो मैं आपको खोल कर दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कैसी वैरायटी है उनकी क्या खासियत है। ये 3 फीट से ज़्यादा का होगा तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। पे भी देखिए एक फूल और है ये देखिए एक फूल और है तो काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। अब फिर है दोस्तों देखिए वहाँ पे जो मोर है वो आ गया पहले बहुत आते थे अब जो है कम है वहाँ पे शीशा लगा हुआ है आईना तो उसमें देख देख के सोच रहा है कि एक और है अंदर। हम जो है अभी यहाँ पे प्लांट लगाएंगे ये 5 प्लांट जो आए थे। दोस्तों इसका जो गड्ढा है वो हमने देखिए सुबह ही पहले कर लिया था अब इसके साइड की और जगह बनाते हैं और फिर इसमें प्लांट को लगाएंगे। इसमें जो रेड ताइवान है वो हम यहाँ पे लगाएंगे और एक लगाएंगे अंदर जो साल में 2 बार फल देगा ना वो लगाएंगे अंदर। ये हम लगाएंगे खेत में और ये हम लगाएंगे अंदर। ये वैरायटी बढ़िया है इसमें कलरफुल भी है और साल में 2 बार आएंगे। ये चिक्कू है अभी मैं इसके चारों तरफ जो है ईंट लगा दूंगा ताकि बच्चों से इसको प्रोटेक्शन मिल जाए। ये देखिए एक प्लांट मैंने यहाँ पे लगा दिया अब इसमें जो है पानी डालेंगे उससे पहले और उसके बाद इसके चारों तरफ जो है ईंट से जो है वैसा जो घेरा जो वहाँ बना रखा है वैसा घेरा यहाँ पे बना देंगे और एक प्लांट जो है हम लेके चलेंगे अंदर। एक हम जो है चौक के अंदर लगाएंगे जो टाइल है वो उखाड़ देंगे और एक प्लांट जो है अंदर भी लगाएंगे। यहाँ पे पहले हमारे यहाँ पे एक सहसूत का पेड़ था वो हटा दिया भाई ने जो टाइल है वो हटा दी यहाँ से तो एक प्लांट जो हम यहाँ पे लगाएंगे। ये जो है साल में 2 बार फ्रूटिंग देगा ऐसा बताया था उन्होंने। और दोस्तों मैं प्लांट लगाता हूँ और आज का वीडियो हम इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।